हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानतु में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का परीक्षा का तिथि, परीक्षा का डेट घोषित किया जा चुका है और हमारे पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने परीक्षा से संबंधित, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न जिसको कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का हम लोगों ने क्या किया है, सीरीज लॉन्च किया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और क्या करिए, एक भी सेट आप मिस नहीं करिए। ज्यादा चांसेज है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसको हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपना पहला सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा क्या किया गया था, आर्य समाज का स्थापना किया गया था। तो इनका कथन क्या था, इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। किनका नारा था, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और तब तक मैं आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी और वो क्या थे, आधुनिक भारत के चिंतक थे और उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए कहां स्थापित किया था आर्य समाज को, मुंबई में स्थापित किया था। कहां स्थापित किया था, मुंबई में। और इसमें कौन सा था, चलिए जल्दी बताइए, 1825 1828 1830 1875 हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा आंसर हमारा, 1875 सही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महापुराणों की संख्या कितनी थी, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो महापुराणों के रचयिता कौन है, महापुराणों के रचयिता है हमारे भगवान वेद व्यास, हमारे कौन रचयिता है, वेद व्यास। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सबसे बड़ा पुराण कौन सा हो सकता है, स्कंद पुराण। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण। और उपपुराणों की संख्या कितनी है, उपपुराणों की संख्या भी 18 है। पुराणों की संख्या 18, उपपुराणों की संख्या 18। इसका रचयिता कौन, वेद व्यास। इसके रचयिता कौन है हमारे वेद व्यास। महापुराण की संख्या और उपपुराणों की संख्या 18, सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण, सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोंडा कहाँ पाए जाते हैं, टोंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो हमारा आंसर क्या होगा, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में टोंडा जनजाति पाई जाती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी पठार पे रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, तो ये नीलगिरी पठार पे रहते हैं, ये नीलगिरी पठार पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नीलगिरी पठार पे। और इनकी भाषा किनसे मिलती जुलती है, कन्नड़ से भाषा इनका संबंधित है, जो द्रविड़ भाषा से रिलेटेड है, जो द्रविड़ भाषा से। टोंड जनजाति कहाँ, तमिलनाडु में, नीलगिरी के आसपास। कहाँ रहती है, नीलगिरी के आसपास। और इनकी भाषा जो है किससे संबंधित है, कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। कौन सी भाषा है, द्रविड़ भाषा है। टोंडा जनजाति के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं। तो फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ क्या हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कितने साल के लिए करेगा, 6 साल के लिए करेगा। कितने साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए करेगा, या फिर 65 साल, जो पहले हो जाए उसमें क्या करना होगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, राष्ट्रपति।
डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर, डायोप्टर याद करिए किसकी इकाई हो सकती है? डायोप्टर किसकी इकाई हो सकती है? लेंस की क्षमता की, लेंस के फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की, किससे रिलेटेड है? देखिए तीन चीज तो हमको सिमिलर लग रहा है, लेंस 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 और प्रकाश, ध्वनि क्या कर सकते हैं? ध्वनि को आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का तीव्रता, प्रकाश की शक्ति की मात्रक है, प्रकाश का शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। प्रकाश की शक्ति का मेजर कौन करता है? डायोप्टर करता है। अगर किसी लेंस का फोकस दूरी f है, अगर किसी लेंस का फोकस दूरी f मीटर है तो उसका प्रकाशीय शक्ति क्या हो जाएगा? 1/f। फोकल लेंथ कितना? f। फोकल लेंथ f, तो प्रकाशीय शक्ति कितना हो जाएगा? 1/f डायोप्टर होगा, 1/f डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल के लिए हम लोग लिख रहे हैं, उत्तल के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। और अवतल के लिए, अवतल के लिए क्या होगा? निगेटिव। अवतल के लिए निगेटिव होगा, अवतल के लिए, अवतल लेंस के लिए डायोप्टर क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, उत्तल के लिए पॉजिटिव। और क्या हो गया? ये हो गया क्या चीज? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को डायोप्टर मेजर करता है। प्रकाश की तीव्रता कौन मेजर करता है? डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता इतिहास से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या चीज? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था पहले यह जान लीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ये तो आंसर ही बता दिए, 5 मार्च 1931 को। 1931 मिला यहां, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो ये जो गांधी इरविन समझौता क्यों इंपॉर्टेंट है? गांधी और इरविन समझौता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहां, ये हुआ था लंदन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था, ठीक है। तो उसके पूर्व में, उसके गोलमेज सम्मेलन के पूर्व में क्या हो गया था कि गांधी इरविन समझौता हो गया था, जिसमें क्या हुआ? अस्थायी तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था, सविनय अवज्ञा को रोक दिया गया था। किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, दो लोग संबंधित हैं, महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन। 1931 में, कब? 5 मार्च 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व में, ठीक है। और ये लॉर्ड इरविन कौन थे? वायसराय थे। लॉर्ड इरविन कौन थे? वायसराय थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया था? रोक दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नो फुल स्टॉप इन इंडिया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन होंगे? आर के नारायण, वेद मेहता, नीरज सिंह चौधरी, मार्क टली। मार्क टली कौन होंगे? तो नो फुल स्टॉप पुस्तक के रचयिता हैं, क्या हैं, कौन होंगे? मार्क टली। इन्होंने क्या लिखा था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। क्या दिया था? अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, जो इन्होंने इंडिया को अपने आंख से, अपने समझ के हिसाब से दो देखा था, उसको क्या किया? 10 निबंध में इन्होंने क्या किया था? इसको एसे के रूप में, 10 निबंध के रूप में इन्होंने क्या किया था? 10 निबंध के रूप में क्या किया? 10 निबंध के रूप में इन्होंने क्या किया था? इसको अपना जो भी लिखा, मार्क टली ने क्या लिखा? 10 ऐसे के रूप में इसका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू जो देखा, इन्होंने लिखा, और उसी को ये इन्होंने बुक के रूप में इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राज शब्द का प्रयोग, राज शब्द का प्रयोग हमको क्या देखना है कि हमको क्या करना है? राज शब्द देखना है। राज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? निकोलो मैकियावेली ने किया था। राज शब्द का सबसे पहला प्रयोग निकोलो मैकियावेली ने किया था। और यह कहां का था? यह इटली का था। यह कहां का था? इटली का था। इटली का था। इटली का था। कौन? निकोलो मैकियावेली राज शब्द का जो दिया था वो कौन दिया था? निकोलो मैकियावेली। हम लोगों को क्या याद रहेगा? ये कहां का था? इटली का। कहां का था? इटली का था। और राज शब्द का क्या दिया था सबसे पहले? इसने दिया था। हवा, हवा क्या है? हवा क्या है? यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है, मिश्रण है। क्या है हवा? हवा हमारा क्या है?
हवा क्या है? यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है, मिश्रण है। हवा एक मिश्रण है, और कैसा मिश्रण है? एक विषम टाइप का मिश्रण है। विषम टाइप का मिश्रण है जिसमें क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा है, 21%, 71% क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। ठीक है, और क्या है, 0.9% ऑर्गन है और 0.03% कार्बन है। 0.03% क्या है, कार्बन है, कार्बन हमारा अवेलेबल है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, हवा का। हवा क्या है, एक मिश्रण है। हवा का आंसर क्या हो जाएगा, हवा क्या है, कैसा है, एक मिश्रण है। चलिए ठीक है, भारत के वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ आंसर करने का जरूरत नहीं है। प्रवीण सूद कौन है, भारत के वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को। सबसे पहला कौन थे, डीपी कोहली, डीपी कोहली। और पहले के डायरेक्टर कौन थे, डीपी कोहली, डीपी कोहली कौन थे, पहला, फर्स्ट डीपी कोहली, प्रथम, प्रथम जो थे डायरेक्टर। और अभी के वर्तमान क्या है, प्रवीण सूद है, वर्तमान क्या है, प्रवीण सूद है। ठीक है, और डीपी कोहली। चलिए आगे, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो हमारा क्या है, एटमोस्फेयर, हमारा एटमोस्फेयर वायुमंडल कितना, कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर का बना हुआ है। तो किस लेयर के ऊपर, किस लेयर के ऊपर जाते हैं तो ताप, ताप जो हमारा टेम्परेचर वो तीव्रता पूर्वक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारा आंसर हो सकता है आयनमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। कौन होगा, बहिर्मंडल। आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिता कौन हो सकता है, इकोनॉमिक्स का सवाल है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिता कौन हो सकता है, कीमत ग्रहिता मतलब क्या हो गया, कंपटीशन चल रहा है किसमें, प्राइस वार चल रहा है। पर प्राइस वार मतलब, प्राइस वार मतलब किसी मार्केट में, किसी मार्केट में क्या हो सकता है, सेलर हो सकता है, बायर हो सकता है। ठीक है, तो सेलर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट बेचेगा। अगर बहुत सारा सेलर है तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो एमआरपी पे बेच पाएगा या मैक्सिमम प्राइस पे तो नहीं बेच पाएगा। उसको क्या होगा कि जो एक्चुअल प्राइस होगा उससे क्या करना होगा, उसको कम दाम में बेच देना होगा, कम दाम में देना होगा, जिससे क्या होगा, ग्राहक को फायदा हो जाएगा। लेकिन सेलर को क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत का, उसको कम कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, फर्म, इसमें ग्रहिता, कीमत ग्रहिता, कम कीमत ग्रहिता क्या हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, चलिए बताइए, सोचिए कौन सा नदी का उपनदी हो सकता है। मानस नदी क्या, कहां, किसका उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा में क्या करता है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा का। इसका पूरा लंबाई कितना है, 400 किलोमीटर। हमको याद रखना होगा कि इसका, मानस नदी का पूरा लंबाई कितना, मानस का कितना लंबाई है, 400 किलोमीटर। मानस नदी की लंबाई 400 किलोमीटर टोटल, ब्रह्मपुत्रा की नदी है और कितना है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें 24 किलोमीटर कहां, तिब्बत में। तिब्बत में कितना, 24 किलोमीटर हमारा तिब्बत में कवर करेगा, 24 किलोमीटर तिब्बत में, 272 किलोमीटर भूटान में, 272 कहां, भूटान में, 272 किलोमीटर भूटान में, और 104 किलोमीटर असम में। 104 किलोमीटर कहां कवर करेगा, असम में, और 272 कहां, भूटान में, 272 कहां, भूटान में, और 24 किलोमीटर कहां था, तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में हो गया, 24 किलोमीटर तिब्बत में, भूटान में और असम में। तो हमारा कौन कौन, तिब्बत, भूटान और असम, 400 किलोमीटर नदी मानस ब्रह्मपुत्रा की क्या है, सहायक नदी या उपनदी है। चलिए आगे देखते हैं, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप में क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, सी नंबर। कैसे हो जाएगा, गेस्टेशन, गेस्टेशन होता है, गेस्टेशन के अंत में माता जो होती है, माता जो होती है क्या करती है, यूटेरस का जो पूर्ण विकसित हो जाता है और वो बाहर निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव, उसी को क्या बोलते हैं, प्रसव। चलिए, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग सफलता को हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक हम अपना रिजल्ट, हम लोग क्या कर लेते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में अपना रिजल्ट क्लियर नहीं कर लेते हैं, एश्योर्ड नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लगे रहना है और बने रहना है। चलिए, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है, सही क्वेश्चन, एकदम एकदम आसान, आसान क्वेश्चन, 300
क्या होगा? 300 से शुरू होगा, बताइए। ये तो खत्म हो गया, 256 वाला खत्म हो गया, अब आगे बताइए कौन सा होगा। ये तो 356 नहीं, 200 वाला खत्म हो गया, तीन सीरीज वाला होगा, 355, 324 और 320, इसमें से कौन सा होगा? तो हमारा हो जाएगा 324। 326 अनुच्छेद हम लोग क्या दे रहा है, चुनाव आयोग का पावर दे रहा है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का व्यवस्था किया गया है। चलिए, उसमें निर्वाचन का संचालन, सब चीज जो कंट्रोलिंग पावर होगा, संचालन होगा, अधीक्षण होगा, निर्देशन होगा, नियंत्रण होगा, सब चीज कौन करेगा? चुनाव आयोग। और किस अनुच्छेद में? 324 के। ठीक है, आगे चलिए। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? चलिए, प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया? इक्वल। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया? डिफरेंट। क्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या क्या है? इक्वल। और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया? प्रोटॉन जो है इक्वल है, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। न्यूट्रॉन क्या है? अलग अलग है। प्रोटॉन इक्वल है, न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। समस्थानिक, इसको क्या बोल सकते हैं? समस्थानिक। चलिए ठीक है, 16 देख लिए, 17 ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और इसका एकदम इजी क्वेश्चन। बुध और शुक्र को क्या है? बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? मंगल होगा, नेपच्यून होगा, प्लूटो होगा। यहां बुध और शुक्र का बात कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या चीज का बात कर रहे हैं? बुध और शुक्र का। मंगल को है उपग्रह या नहीं? हाँ, मंगल को है उपग्रह, नेपच्यून को हाँ, प्लूटो को हाँ। तो बचा कौन? बुध और शुक्र। बुधवार और शुक्रवार, इसको क्या है? उपग्रह नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बुधवार यानी बुध ग्रह। ठीक है, एसिक्मो कहां के निवासी हैं? तो एसिक्मो कहां के मूल निवासी हैं या निवासी हैं? तो दो टाइप्स होता है इनका। कौन कौन होता है? दो टाइप होता है। इनुइट बोलते हैं। पहला एक टाइप हो गया इनुइट और दूसरा यूपिक। पहला क्या हो गया? इनुइट, दूसरा यूपिक। याद रहेगा, इनुइट और यूपिक। इनुइट कहां मिलता है? उत्तरी अलास्का, और यूपिक पश्चिमी अलास्का में। ठीक है, तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में इनुइट। अलास्का कनाडा और ग्रीनलैंड में इनुइट, और पश्चिमी अलास्का और रूस में यूपिक मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। कनाडा हो जाएगा, होगा कि नहीं? कनाडा हो जाएगा। दो टाइप्स हो गया, क्या क्या एस्किमो का? दो टाइप हो गया। पहला क्या हो गया? पहला हो गया इनुइट और दूसरा हो गया यूपिक। ठीक है, चलिए। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था। मौर्य दरबार, जो हमारा मौर्य दरबार था, उसमें ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? सिकंदर। सिकंदर तो खुद राजा हो गए, तो राजदूत क्या बनेंगे? मेगास्थनीज, प्लेटो और अरस्तु। क्या हो सकता है? मेगास्थनीज, सिंपल डायरेक्ट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का कौन था? मेगास्थनीज था। और किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। और कहां के, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए, बुंद के गोलाकार होने का कारण होता है। बुंद गोलाकार क्यों होता है, बताइएगा? बुंद गोलाकार क्यों होता है? तो बुंद गोलाकार, सबसे पहले समझिएगा, बुंद का साइज कैसा होता है? बुंद का स्वरूप कैसा है, आकार कैसा है? तो गोल आकार का होता है। बुंद गोल आकार हो गया, मतलब गोल आकार का क्षेत्रफल कम होगा, ऐसे भी सरफेस एरिया जो कम हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव, जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या करता है? उसका गोल कर देता है। बुंद का आकार गोलाकार होने का कारण क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, बी का सी नंबर आंसर हो जाएगा। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो हमारे किसने किया था? इंडियन नाम, इसमें कौन सा है? नेहरू रिपोर्ट। सबसे कौन किए थे? नेहरू जी, नेहरू चाचा। 1928 में क्या किया गया था? नेहरू रिपोर्ट आया था। तो नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से क्या हो गया कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। केंद्र में कैसा व्यवस्था होगा? द्विसदनीय व्यवस्था होगा। मंत्रालय क्या होगा? मंत्रालय विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होगा। और इसको क्या किया गया? सभी दलों के द्वारा एक्सेप्टेंस मिल गया था, स्वीकृति मिल गई थी। किसके में? परिसंघ का, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने क्या किया था? जीता था, सर्वप्रथम जीता था। किसने? शासक ने। किसने? शासक।
ठीक है, शासक ने जीता था बाबर तुगलक खिलजी चंगेज खान, किसने, 1200 में, 1200 में क्या किया था, 1200 ईस्वी में, 1200 में क्या किया गया था, मुस्लिम शासक ने खिलजी, खिलजी कौन, खिलजी क्या नाम था पूरा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का शासन सबसे पहले इस मुस्लिम शासक का, जैसे ही बात आएगा, जैसे ही आप मुस्लिम शासक की बात करेंगे तो किसका नाम, 1200, और 1200 में किसका, खिलजी का, किसका आएगा, हमारे खिलजी का आ जाएगा। चलिए ठीक है, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था, देखिएगा बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र का परिवर्तन किया था, अपर्दन चक्र के सिद्धांतों को कंसेप्ट में चेंजेस, दो चीज है, अपर्दन चक्र का प्रतिपादन, प्रतिपादन अलग चीज है, और उसके द्वारा फिर क्या किया गया था, संकल्पना को चेंज किया गया था, तो इसमें दो नाम है, पैक्स और डेविस का, पैक्स और डेविस का, ठीक है, तो परिवर्तन जब आएगा तो पैक्स का नाम आएगा, परिवर्तन जब आएगा तो क्या आएगा नाम, पैक्स का, परिवर्तन जब आएगा तो पैक्स का, और इन्वेंशन डेविस का, डेविस कहां के थे, अमेरिका के, डेविस अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री थे, और पैक्स कहां के थे, जर्मन के, पैक्स हो गए जर्मन के, और अपर्दन चक्र का संकल्पना, अपर्दन चक्र का संकल्पना पैक्स, और प्रतिपादन, 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 प्रतिपादन कौन किए थे, डेविस, डेविस जो है प्रतिपादन किए थे, और संकल्पना, संकल्पना, संकल्पना किसने किया था, पैक्स ने, पैक्स ने क्या किया था, संकल्पना क्या था, क्या चीज का, अपर्दन चक्र सिद्धांत का, अपर्दन चक्र का सिद्धांत का, पैक्स का आ गया नाम, और डेविस का, डेविस मतलब सबसे पहला, डेविस अमेरिका से, पैक्स जर्मनी से, ठीक है। चलिए किलिमंजारो, किलिमंजारो क्या है, तो आज हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन, और बस दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, और उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। किलिमंजारो क्या है, चलिए बताइए जल्दी, क्या क्या है किलिमंजारो, किलिमंजारो आग्नेयगिरी है, द्वीप है, बरिंग है, नदी है, क्या हो सकता है, किलिमंजारो कहां है, सबसे पहले किलिमंजारो तंजानिया में है, कहां है, तंजानिया में है, और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है, ये अफ्रीका का क्या है, उच्चतम पर्वत है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5895, 5895 क्या, 5895 मीटर, क्या है, 5895 मीटर है, किसकी लंबाई, किलिमंजारो की, किलिमंजारो कहां है, तंजानिया में, किलिमंजारो कहां है, तंजानिया में, और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। चलिए 24 नंबर हो गया, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है, सबसे पहले हम जानेंगे क्या है, भारत में नोट निर्गम प्रणाली किस पे आधारित है, सबसे पहला वर्ड आ गया नोट, नोट के बारे में आप सब जानते हैं, निर्गम, निर्गमन, निर्गमन, सॉरी निर्गमन, निर्गमन से क्या मतलब हो गया, निर्गमन को समझ लेते हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। निर्गमन क्या होता है, एक आवेदक, आवेदक मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी, कोई भी पर्सन क्या करता है कि कुछ फेस वैल्यू, अंकित वैल्यू, मतलब जितना फेस वैल्यू जो प्राइस अमाउंट का होता है उसके बराबर कोई राशि अगर आपको देना पड़े तो उसको क्या कहते हैं, निर्गमन, इक्वली जो राशि प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, निर्गमन, ठीक है। तो नोट निर्गमन प्रणाली यहां जो है, तो सबसे पहले क्या था कि आनुपातिक कोष प्रणाली था, सबसे पहले आनुपातिक कोष प्रणाली था, फिर 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली में चेंज किया गया, पहले क्या था आनुपातिक कोष प्रणाली था, अब उसको फिर क्या कर दिया गया, चेंज करके न्यूनतम कोष प्रणाली में चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पे यह भी बात है, अभी जो लागू है व्यवस्था उसमें क्या है, नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए का सोना और विदेशी करेंसी, विदेशी करेंसियों को कोष में रखना अनिवार्य है, ठीक है। यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न है जो बिहार शिक्षक भर्ती में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसको जानने के लिए और उसका स्टडी करने के लिए, डिटेल स्टडी करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, फिर दूसरे सीरीज, दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।